कोरोना के कहर को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू कराने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और अवैध अतिक्रमण को हटाने पर जोर दिया। खबर सुल्तानपुर से है, जहां कोरोना के कहर को देखते हुए कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू कराने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और अवैध अतिक्रमण को हटाने नगर के रुद्रनगर इलाके को प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जहाँ सोशल डिस्टेंस का पालन कराने को लेकर SDM और CO भारी पुलिस बल के साथ बाजार में पहुंचे और अतिक्रमण को हटाने लगे। SDM ने बताया, COVID-19 संक्रमण और सोशल डिस्टेंस अभियान का पालन कराने को लेकर अभियान चलाया गया है। सड़कों पर जो अतिक्रमण हो रहा है, ठेली लगाकर जो इन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उसको हटाने के लिए जो है अभियान चलाया गया है। कारण ये कि अगर दुकानों के सामने अतिक्रमण हो जाएगा तो जो सड़क है वो सक्रिय हो जाएगी और फिर जाम लगेगा, लोग एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा होगा। 1 मीटर की कम से कम दूरी आदमी के बीच बनाए रखने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, जिससे कि सड़कें चौड़ी रहें और आदमी आराम से निकल सके। कंटेनमेंट जोन में कहां से लेकर कहां तक सील किया गया? कंटेनमेंट जोन में जो 250 मीटर का एरिया पूरा सील कर दिया गया है और 14 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। 14 दिन के लिए सब दुकानें और आवागमन बंद रहेगा।